चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेस, यानी कि जल संपदा। ठीक है, यस। तो यहाँ दो लोग हैं, पिंकी और चिंटू, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो पिंकी उससे बोल रही है, देख फ्लड आया उड़ीसा में, तो बोलता है यस, क्योंकि ह्यूमन की गलतियों की वजह से आया है ना। और ये एनसीईआरटी का एक बार कुछ फैक्ट्स देख लो जो मेरे नोट्स में नहीं है उसमें, ये एनसीईआरटी में है लेकिन, तो ये कभी भी आ सकते हैं। वैसे उसमें उसमें काफ़ी चीज़ें पता होंगी, जैसे अगर 100% अर्थ है तो 97% उसमें वाटर कैसा है, सॉल्टी वाटर है, और 3% कैसा है, नहीं 3% कैसा है, पीने योग्य वाटर है। लेकिन उसमें से भी 2% जो है वो ग्लेशियर्स में है ना, और जो 1% है वो ड्रिंकेबल है ना, ड्रिंकेबल है। ठीक है, ये यूजेबल वाटर कह लो, ड्रिंकेबल ना कह के कह लो यूजेबल वाटर है ना। ग्लेशियर्स में पानी निकाल के पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा ठंडा। 2% ग्लेशियर में और 1% कहाँ है, ड्रिंकेबल पानी है। तो देखो एनसीईआरटी में 97 और 3 ना देके क्या लिखा है, 96.5 और 2.5 कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, 96.5 वर्ल्ड वाटर एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियंस एंड ओनली 12.5% एज फ्रेश वाटर। तो जिसको यूजेबल कह रहे हैं उन्होंने क्या बोला है, फ्रेश वाटर, ये याद रहेगा। ठीक है, तो मान लो एग्जाम में तुम बैठे हो और 97 ना देके 96.5 दे दिया, तो उसमें टेंशन की बात ही नहीं है ना, जो उसके अप्रॉक्स में क्लोज हो वही आंसर लगा दोगे। 97.5 दे देगा तो भी तुम यही लगाओगे। तो ये तुम्हें याद रखना है कि 2% ग्लेशियर्स में और हमारे पीने योग्य ओनली ड्रिंकेबल वाटर जो है वो कितना है, 1% है। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर है जो हमारा निकाल के हम लोग पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एनसीईआरटी में लिखा है कि इंडिया की रैंक है 133 किसमें, इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। एक साल में एक इंसान को कितना पानी अवेलेबल हो सकता है, उसकी रैंक है इंडिया में 133। कल उसमें कहीं का क्वेश्चन था ना, 11th की फिजिकल में था पेपर आया था कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न घाट है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे पीने योग्य पानी क्यों नहीं है, हर बार पीने की पानी की किल्लत हो जाती है वहाँ पे, क्यों? ठीक है, तो ये याद रखना तुम्हें, 97%, 3%, 2% और 1%। टिक। फिर वाटर स्कैस्टिक क्यों है भारत में, उसके रीजंस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि राजस्थान में आज भी लोग घरों में क्या यूज करते हैं, अर्थन पॉट, जिसको हिंदी में कहते हैं मटकास। ठीक है, ये पानी को स्टोर करने के लिए और ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर। ठीक है, ये याद रखना है, मटका मतलब राजस्थान। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि एक और इसराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, इसका मतलब हिंदी में, तो ये एनसीईआरटी में हिंदी में कहाँ से आ गया। ठीक है, एक और इसराइल का मतलब है लेस देन 25 सेंटीमीटर वाटरफॉल, है ना, वाटरफॉल की जगह रेनफॉल है ना। भारत में राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर से कम, ये तुम्हें याद रखना फैक्ट। और वेस्टर्न घाट में जो बारिश होती है वो होती है ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, या भारत में जो मानसूनी बारिश होती है वो कितनी होती है, ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, लेकिन राजस्थान में कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि इसराइल एक ऐसा देश है जहाँ पे जो औसत वर्षा है यानी कि जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर, लेकिन फिर भी वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। दूसरी ओर 100% हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। ये कह रहा था कि इसराइल एक ऐसा देश है जहाँ 25 सेंटीमीटर लेस दिन बारिश होती है, फिर भी वहाँ पे पीने का पानी उचित मात्रा में है, लेकिन भारत में जहाँ औसत एवरेज 114 सेंटीमीटर बारिश होती है, फिर भी हमारे यहाँ सूखे के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है और किसी किसी जगह में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, तो आंसर बता रहा है समुचित जल प्रबंधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, बेटर मैनेजमेंट, भारत में पानी को मैनेज नहीं किया जाता है, बर्बाद करके आ रहे हो अभी तुम लोग। ठीक है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं, यही है मूल कारण देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये बता रहा है तुमको पूरे पैराग्राफ में कि अगर हम बेटर मैनेजमेंट करते हैं वाटर का, ठीक है, तो भारत में भी हम पानी के जो अभाव है उसको रोका जा सकता है। अच्छा, ये एग्जांपल याद रखना कि उसने किससे कंपेयर किया था, इसराइल से। ये सब क्वेश्चन पता है कैसे मिलते हैं, जहाँ पे वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग सोचो कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। ये जो बीच बीच में लोग ऐसा रेड वेड से दे देते हैं वो हॉट से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक असर्शन रीजन में क्वेश्चन मिलता है और एक उसमें मिलता है, वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आरसी बेस पैसेज आता है ना, सीबीएसई में तो 3 पैसेज आते हैं, पता होगा, 3, 4, 12 12 नंबर के 3 पैसेज होंगे बेटा। ठीक है, 12 नंबर के 3 पैसेज। ठीक है, देखो लाइन लगी है वाटर स्कैस्टी की वजह से, राजस्थान में ऐसा ही हाल होता है, इवन कानपुर सिटी में भी जाओगे तो कुछ जगहों पे यही हाल है। ये क्या होता है, जो हम लोग डैम्स बनाते हैं उसको कहा जाता है MPRP, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ये इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए इस वाले पैसे से बहुत सारे।
ये कह रहा था पुराने भारत में, जब एंशियंट इंडिया, जब अंग्रेजों के पहले वाला जब था, तो उसमें हम लोग डैम कैसे बनाते थे और कहां कहां भारत में डैम बने गए थे, ठीक है। और डैम क्या होता है वो, ये डैम का फोटो बनी है। डैम क्या करता है, वाटर को डिवाइड करता है ना, एक उस तरफ पानी जा रहा था, बीच हमने डैम बना दिया, तो हमने क्या किया, एक रिजर्वायर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जो क्रिएट होगा उसको क्या बोला जाएगा, वाटर रिजर्वायर, है ना। इस पानी का हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी मोड़ के किसी गाँव में ले जा सकते हैं, किसी सिटी में ले जा सकते हैं। ऐसे क्या होगा, अगर नदी जो है पानी होगा वो सीधे चला जा रहा था अपने मार्ग से, अब हमने क्या किया, बीच में डैम बना दिया, इस पानी को हमने रोका, हम जहाँ चाहे उस पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम पता है क्या होगी, जो फिशेज की पॉपुलेशन थी वो कम हो जाएगी, क्यों, जो फिश पहले फ्रीली इधर उधर जा रही थी, अब उसको उन्होंने क्या कर दिया है, एक जगह बैन कर दिया डैम बना के। तो इसकी वजह से कई जगह भारत में आंदोलन हुए कि ना ये गलत है। तो अभी हम लोग इसके बाद वही रिवीजन वाला देखेंगे क्या क्या हुआ था भारत में। तो लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का वही रहेगा। फिर यहाँ पे मेजर रिवर डैम्स, इससे 2023 वाले में क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ डैम्स के नाम याद रखने, जैसे भांगड़ा नागल है, सलाल है, वो कल क्वेश्चन आया था तुम्हारे में कि भाग उसमें चेनाब रिवर पे कौन सा डैम है ना, तो बगलीहार डैम है और एक है सलाल प्रोजेक्ट, ठीक है, एक है बगलीहार और एक है सलाल। देखो पांच रिवर है जो इंडस के साथ, और ये सब पाकिस्तान से होकर निकलती है। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, 1963 में पाकिस्तान ने बोला ये जो पांच रिवर है आप इंडिया वाले कभी भी इस पे क्या नहीं बना सकते, डैम नहीं बना सकते, ठीक है। 80% वाटर पाकिस्तान को मिला है, 20% रिचार्ज थ्रू हैंडपम्प, ठीक है। ये कह रहा है कि जो बारिश का पानी हो आप उसको पाइप के थ्रू हैंडपम्प से कनेक्ट कर दो, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। और वो पानी किस में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर चला जाएगा। बहुत जगह ऐसे राजस्थान में भी किया जाता है और बहुत जगह किया जाता है। इसके बाद जो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया है कि किस स्टेट में किस तरह से पानी को सेव किया जाता है, जैसे राजस्थान में कौन कौन से तरीके हैं, गल्स गुल्स बना के, सो गल्स गुल्स कुछ भी पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, गुल्स और कुल्स ये दोनों वेस्टर्न हिमालय मेथड यूज किया जाता है, ऐसे रूफ टॉप क्या तमिलनाडु में ये होता है रिचार्ज, अच्छा पढ़ा है किसी ने। खादिन्स कहाँ यूज होते हैं, राजस्थान, है ना। आइए बताऊंगा खादिन्स क्या होते हैं, खादिन ये बोर्ड में आया है, खादिन और जोहात्स ये दोनों, खादिन जो पर्टिकुलर है वो जैसलमेर में स्टार्ट होता है, और जैसलमेर राजस्थान की वो जगह है जहाँ से एक्चुअल थार डेजर्ट स्टार्ट होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है जब, ठीक है, ये जैसे मान लो राजस्थान है तो जिस जगह से थार डेजर्ट स्टार्ट होता है वहाँ जैसलमेर से स्टार्ट होता है। तो एक टैंक का यूज करके कहाँ पानी बचाया जाता है, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम है, जो बारिश का पानी है वो एक पाइप के थ्रू लाके जमीन में टैंक बनाया गया, वो सारा पानी टैंक में चला जाता है, ठीक है। इसको रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये कई भारत के गांव में आज भी यूज किया जाता है, ठीक। फिर ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी मतलब आईएएस में आया था कि भारत में किस स्टेट में बांस के जो पाइप होते हैं ना उसमें पानी को सेव करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ये मेघालय का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए। इसको बोलते हैं बीडीआईएस, ठीक है, बंबू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। ये कहाँ यूज होता है, मेघालय में, ये 200 साल पुरानी टेक्निक है आज ना यूज की जाती है, तो बहुत अच्छा भी है, काफ़ी टेक्निक्स दिमाग लगाया जाता है, बांस को पाइप को बीच से फाड़ के देखो कितना अच्छा पाइप बना दिया है ना, सब नेचुरल है, एक भी पैसा नहीं लगा, सब कुछ नेचर से हमें मिला है। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी पीडीएफ में इमेजेस नहीं रहेंगी और तुम किसी चीज़ को अच्छे समझ सकते हो इमेज के फॉर्म में, अगर तुमने इमेज देखी है ना तो तुम्हें दिमाग में याद रहेगा कि सर ने बम्बू पढ़ाया था, बैम्बू, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा है कि तमिलनाडु भारत का पहला स्टेट था विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी टू ऑल द हाउसेस, मतलब आप घर बनवा रहे हैं तो आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टर लगवाना ही पड़ेगा। वो क्या होगा, छत से एक पाइप आएगा जो सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर में चला जाएगा। हमारे यहाँ जब बारिश होती है देखो हम लोग क्या करते हैं, पानी जो होता है पाइप से बाहर वैसे बह रहा है, रोड अलग गंदी हो रही है, कीचड़, फिर उसमें मच्छर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपलसरी कर दिया ताकि जो पानी है वो सीधे कहां चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। इसको बोला गया है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तमिलनाडु भारत का पहला स्टेट, तमिलनाडु के कैपिटल क्या है, फूड सिक्योरिटी के लिए, अभी तो ठंडियां आ रही हैं और पानी की काफी बचत होगी, नाव नहाना तो सब बंद कर देते हैं ऑलमोस्ट, ठीक, वहां से पानी की बचत हो जाती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे, तुम लोग अपने हिसाब से याद रखोगे, मैंने तीन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने अंडरलाइन कर दिए थे, इसको देख लोगे। फिर ये कह रहा है कि कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी आर हैं, एक सिंगल नहीं है, कई सारे हैं, क्या, लो रेनफॉल, बारिश का कम होना, तुमने पढ़ा होगा नाइन्थ में एक टॉपिक था एल नीनो इफेक्ट, ये पढ़ा है एल नीनो इफेक्ट, किसी को पता है ये कहाँ क्या होता है,
देखो बारिश का जो सीजन होता है भारत में वो जुलाई और लेट जून माना जाता है, लेट जून स्टार्टिंग है जुलाई में। जो एल नीनो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पेरू का जो कोस्ट होता है यानी साउथ अमेरिका, वहां से वाटर की जो करंट होता है वो हीट होना स्टार्ट होता है, गर्म होना होता है, ठीक है। और इसीलिए एल नीनो को कहा जाता है, ये एक अरेबिक वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है बेबी क्राइस्ट। अब इसको बेबी क्राइस्ट क्यों बोलते हैं, किसी को पता है, याद है एनसीईआरटी में लिखा हुआ था बेबी क्राइस्ट, क्योंकि ये दिसंबर के महीने में स्टार्ट होता था, वो भी 25 दिसंबर के आसपास। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट सपोज करो, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ये है यूरोप, यूरोप के नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। अबे कितनी बार बता दिया है, अफ्रीका। इधर है हमारा एशिया, ठीक है, और एशिया के बगल में इधर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब तुम देखो ये है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यहाँ पे एक छोटा सा देश है उसका नाम है पेरू, पेरू के बगल में ये कौन सा ओशियन है, पैसा, पी ए आई एस ए, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन का जो ये वाला कोस्ट होता है ना जो पेरू के बगल में है, ये पानी गर्म होना शुरू होता है और ये हीट होते 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 होते, अब इसने किसको गर्म किया है, हॉट किया अटलांटिक ओशियन को, ये पानी यहाँ से हीट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब यहाँ पे देखो भारत है अपना, है ना, इंडिया इस जगह पे एशिया में, इंडिया के ठीक नीचे कौन सा ओशियन है, वो देखो इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन। तुम देखो दिसंबर के महीने में ये वाटर हीट होना शुरू होता है, यहां तक आता है हीट होते होते, और ये इंडियन ओशियन को अब क्या कर देगा, हीट करेगा। यहां तक आने में उसको कितना समय लगा, जून का महीना आ जाता है, और ये वही महीना होता है जब भारत में शुरू होनी होती है बारिश। तो जब कभी ऐसा होता है तो यहाँ पे अब जो विंड चलेंगी वो हॉट विंड चलेंगी, जिसकी वजह से भारत में मानसून आएगा नहीं या लेट हो जाता है अक्सर। तो जब भी एल नीनो इफेक्ट आता है तो ये बुरा माना जाता है, क्यों, इससे भारत में मानसून लेट हो जाता है या तो बारिश होती ही नहीं है। अब मुझे ये क्यों बताना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मेन कॉज ऑफ द वाटर स्कैर्सिटी आर लिखा हुआ था लो रेनफॉल एंड वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग होता है बारिश का होना। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट्स ड्रॉट, ड्रॉट का मीनिंग सूखा पड़ जाना, लाइक कंडीशंस इन द कंट्री। बहुत सिंपल है, एल नीनो इफेक्ट का मीनिंग है अरेबिक वर्ड है, दैट मींस बेबी क्राइस्ट, विच स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर along the coast of Peru in the Pacific Ocean, due to which the water start heating and Atlantic Ocean becomes heated and thus Indian Ocean in the month of June. सब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जब भारत में मानसून आना स्टार्ट होगा उसी समय ये एल नीनो इफेक्ट देखा जाता है, जिसकी वजह से मानसून लेट हो जाता है। लो रेनफॉल मैंने बताया कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे तो शॉर्ट में लिखा होता है, तो पेपर के लिए याद करना है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ रट के पास ही नहीं होना है ना, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी क्या था, लो रेनफॉल, और एक दूसरा मैंने हाईलाइट किया ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन। बहुत सिंपल सी बात है ना, मान लो वाटर की रिक्वायरमेंट किसी मोहल्ले में थी 100 लीटर पानी चाहिए, अब कायदे से उसमें 10 लोग रह रहे थे, 10 पीपल, तो बहुत इजिली डिवाइड हो रहा था, 10-10 लीटर सबको मिल रहा था, पॉपुलेशन बढ़ गई कोरोना में 10 से हो गए 30, अब पानी तो उतना ही है, पानी तो बढ़ नहीं पाएगा, फिर वाटर स्कैर्सिटी हो गई। दस जिस दिन जिन स्टेट्स में, सुन लो, जिस दिन स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी भी ज़्यादा हो गई। जैसे किन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे भयानक जो पानी प्रॉब्लम आती है वो महाराष्ट्र में आती है, चौल होते हैं वहाँ पे, CHAWL, जैसे भारत में, इंडिया में, सॉरी यूपी में स्लम कहा जाता है, वहाँ पे चौल्स बोलते हैं, CHAWLS, है ना। सुबह सुबह लोग लाइन लगा के बैठे होते हैं केवल पानी इकट्ठा करने के लिए, वो भी सिर्फ 1 घंटे का पानी आता है, जो उसमें ले जाए ले जाए, ठीक है, बहुत बुरी सिचुएशन है महाराष्ट्र में। तो ये पहले बता रहा था लो रेनफॉल, लार्ज पॉपुलेशन, और टू प्रोवाइड फूड टू लार्ज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इज डन ऑन लार्ज स्केल, एग्रीकल्चर रिक्वायर्स मच वाटर फॉर इरिगेशन। अब ये कह रहा है कि अगर इतनी सारी पॉपुलेशन होगी तो लोगों को क्या देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, और खाना कहाँ से आएगा, इरिगेशन से आएगा, इरिगेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए था, ठीक है। सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, इससे क्या चाहिए लोगों को, फूड, फूड कहाँ से आता है, इरिगेशन से, इरिगेशन क्या होगा जब वहाँ पे क्या हो, वाटर, पानी। तो इनडायरेक्टली तुम देखो पॉपुलेशन फिर आगे किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है वाटर से, इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, वाटर से। मतलब जितना ज़्यादा हमें इनको खाना देने के लिए इरिगेट करना पड़ेगा एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, उतना ही ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। कौन सी क्रॉप होती है इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, राइस। एक पॉइंट था, देखो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हाँ, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को बोला था द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होते हैं ये भारत के क्या है, मंदिर है, मॉडर्न इंडिया के मंदिर है। इसका क्या मतलब हुआ, तुम देखो जब बैसाखी का फेस्टिवल होता है, बैसाखी, बैसाखी कहाँ पे मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है, बैसाखी क्या होता है, उसमें क्या करते हैं लोग,
बैसाखी फेस्टिवल क्यों होता है? जब वेरी गुड, उसमें फसल जब अच्छी होती है उससे कटाई के समय, पहली कटाई के समय बैसाखी का फेस्टिवल मनाया जाता है ना, अप्रैल के महीने में पंजाब में। ऐसे ही असम में होता है बिहू, BIHU, है ना, जब उनकी कटाई का समय आता है फसल अच्छी हो इसके लिए। पता है इसका मतलब लोग पूजते हैं अपनी फसल को, है ना, उसकी पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए मेहनत की है। तो इसलिए जब तुम्हारी फसल को तुम पूजा कर रहे हो इसका मतलब वो तुम्हारे लिए क्या है, भगवान है। और वो कैसे पॉसिबल है, केवल मल्टीपर्पज डैम बनाकर, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स के लिए बहुत काम किया आगे चल के, लेकिन ये डैम क्या बन जाएंगे, प्रॉब्लम बन जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक था वो यही था, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। इसमें हमें कुछ नाम देखने हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। अच्छा, इसके पहले क्या है कि एंशियंट इंडिया में काम कर चलता था, तो वो देख लो। इन एंशियंट इंडिया हैड मैनी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डैम का दूसरा नाम है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। डैम्स को और क्या बोला सकता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दीज आर एज फॉलोज, पहली सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी BC में अलाहाबाद के पास एक जगह थी श्रृंगावेरापुरा, श्रृंगावेरापुरा हैड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर चैनलिंग द फ्लड वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा। गंगा रिवर का पानी को स्टोर करने के लिए फर्स्ट सेंचुरी BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। अलाहाबाद में कौन सी जगह थी, श्रृंगावेरापुरा, जो भी है, ठीक है, श्रृंगावेरापुरा, श्रृंगावेरापुरा SVP, ठीक है, श्रृंगावेरापुरा अलाहाबाद, ये कहाँ पे है, अलाहाबाद। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, 11th century BC में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ दैट टाइम भोपाल लेक, ठीक है, ये बनाई गई है 11th century में। फर्स्ट सेंचुरी BC में क्या हुआ था, अलाहाबाद, श्रृंगावेरापुरा, ठीक है। फिर आते हैं दिल्ली, 14th century, हौज खास दिल्ली, ये आज भी बहुत फेमस जगह है हौज खास। दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई इल्तुतमिश, किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। ये सब बच्चों NCERT में है तो इसको हाईलाइट किया हुआ, जब पढ़ोगे तो अपना याद रखना, है ना। ये किसको पानी सप्लाई करता था, सीरी फोर्ट, ठीक है, सीरी फोर्ट दिल्ली में है। हौज खास दिल्ली कंस्ट्रक्टेड बाई इल्तुतमिश। ये कुछ पॉइंट्स थे पुराने जमाने के। फिर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये तुम्हें याद रखना है। अब ये तो हो गया, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, भारत में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों बनाए जाते हैं आखिर ये, है ना। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है लिखा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है। सॉइल को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, फ्लड्स को रोकने के लिए, है ना। तुम देखो अगर ये डैम नहीं हो तो, जैसे मान लो ये है गंगा रिवर आ रही, गंगा में मान लो फ्लड आया, अगर यहाँ पे डैम ना होते तो जो भी फ्लड का पानी होगा सीधे हमारे घरों और खेतों में तो घुस जाएगा, लेकिन अगर डैम होते हैं वो क्या कर देते हैं, पानी को रोकते हैं। एक डैम तो छोड़ा, अगले डैम में थोड़ा सा और कंट्रोल किया, उसके आगे एक डैम होगा तो तीसरा डैम, तो इस तरह से फ्लड जो है वो एकदम से नहीं आएगा, है ना। कभी कभी जब बादल फटता है तो रिवर्स में फ्लड आता है बादल के फटने से, है ना, बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड इंग्लिश में कहते हैं, बर्स्टिंग ऑफ क्लाउड। तो ये कह रहा था कि फ्लड्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है डैम बनाकर, ठीक है। और ये तो पता ही है, फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, मतलब उसको इरिगेशन के लिए यूज होता है। तो 3-4 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सॉइल कंजर्वेशन, फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन ऑफ फील्ड। बहुत सारे हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिश की ब्रीडिंग को करने के लिए, इनलैंड वाटर नेविगेशन के लिए। इनलैंड वाटर नेविगेशन का क्या मतलब है, हम नदियों में शिप चला सकते हैं ताकि हमें, जैसे हम लोग एरोप्लेन से जाते हैं, रोड से जाते हैं, है ना, ट्रक से जाते हैं, लिफ्ट मांग के JCB से चले जाते हैं कुछ लोग, ठीक, तेरी कहाँ, अरे मजाक कर रहे हैं भाई, JCB से कोई जाता है क्या। चलो, एडवर्स इफेक्ट्स एंड लिमिटेशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देखो जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा बनते गए, अब हर स्टेट ने कहा कि भाई हम लोग अपने स्टेट में डैम बनाएंगे, भारत में बहुत सारे डैम होने लगे, इससे क्या हुआ, इफेक्ट पड़ने लगा, एडवर्स इफेक्ट मतलब बुरा प्रभाव। तो पहली चीज तो सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, जिस जगह पे डैम बनेगा तो वहां का जो गांव होता है वो एक दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं ना, तो ये है लिखा है माइग्रेट डिस्प्लेसमेंट या माइग्रेशन की वजह से सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्वेटिक लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। डैम्स ब्रेकअप रिवर्स, रिवर्स को ब्रेक कर देते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना, जो एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेज, टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग, ठीक है। स्पॉनिंग का मीनिंग होता है फिशेज अपने एग्स को कहाँ रिलीज करेंगे, जब आपने बीच में डैम बना दिया तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न भारत का जो चेंज हो रहा है, 3 इंपैक्ट याद रखना, ठीक है, फर्टिलिटी पे, सोसाइटी पर और एक्वेटिक लाइफ पे, और जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है भारत में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है, ये पेपर में आया है बहुत सारे, कुछ एक दो देख लो बच्चों,
सलाल प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पर है, कहां पे था ये? जम्मू एंड कश्मीर। भाखड़ा नांगल, ये हाईएस्ट डैम इन इंडिया है, ये कहां पे? सतलुज रिवर पे है, ठीक है। भाखड़ा नांगल सतलुज रिवर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे है। तहरी भागीरथी रिवर पे है, भागीरथी बगल में गंगा लिखा है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, यही रिवर आगे चल के गंगा बन जाती है ना। बैड याद रखो, बैड क्या है इसका मतलब, भागीरथी ये कौन सी रिवर है? अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा से कहां पे मिलती है? देवप्रयाग में, याद है ये बच्चों, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, बैड, ठीक है। अब उसके आगे से इसका नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग फिर ये बन जाता है गंगा। तो तहरी डैम जो है ये हाईएस्ट एम्बैंकमेंट डैम इन इंडिया है, मतलब एम्बैंकमेंट का मीनिंग क्या होता है? किनारे, किनारे पे बसा हुआ सबसे ऊंचाई का डैम, किनारे पे जो जमीन का किनारा होता है उस पे बना हुआ, ठीक है। हाईएस्ट डैम, हाईएस्ट एम्बैंकमेंट, लेकिन हाईएस्ट डैम तो यही है भाखड़ा नांगल, याद रखना, ठीक है। हाईएस्ट डैम कौन सा है? भाखड़ा नांगल। किस रिवर पर है? सतलुज स्टेट पंजाब और हरियाणा के बीच में। तहरी भागीरथी रिवर पर है। राणा प्रताप सागर चंबल राजस्थान, आर से राणा आर से राजस्थान। सरदार सरोवर डैम कहां पे? नर्मदा रिवर, ठीक है। ये बहुत समय तक आंदोलन का हिस्सा बना रहा है, यहां लिखा है फेमस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एजिटेशन, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत लंबे समय, एजिटेशन का मतलब होता है विवाद। कौन सा? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। ये गुजरात में, गुजरात में है और किस रिवर पे बना है? नर्मदा रिवर पे। नर्मदा रिवर कहां से निकलती है बच्चों? नर्मदा रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि भारत में ज्यादातर रिवर सब इधर जाती हैं। तीन रिवर के नाम याद रखो जो अरेबियन सी में जाके गिरती है, एक है नर्मदा, तापी और लूनी। नर्मदा तापी लूनी NTL, ये तीन रिवर अरेबियन सी में जाती हैं, तो उसमें से एक है नर्मदा जो सबसे बड़ी रिवर है, इधर जो जा रही है। नर्मदा निकल रही है अमरकंटक से और ये वो रिवर है जो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है बीच से, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। सतपुड़ा हिल्स इसके बगल में है, तो दोस्तों इतनी बातें कैसे याद रहेंगी, है ना। नर्मदा रिवर अरेबियन सी में जाके गिर रही है, अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा रिवर पे ही बना हुआ है सरदार सरोवर डैम, निकलती है वो मध्य प्रदेश से बच्चों, लेकिन ये जो डैम बना है ये गुजरात में बना है, ये याद रखना है। सरदार सरोवर, वैसे याद है सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, ठीक याद रख लेना, है ना। कोयना डैम है कृष्णा रिवर पर है, GKMC याद है, GKMC पर पहले पढ़ाया था। साउथ इंडिया की चार लंबी रिवर, गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी, CAUVERI, गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी, सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है महानदी, फिर है कावेरी। अच्छा, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, याद रखना, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, कावेरी केरला से निकलती है। नोट कर लेती, आलस लगता है कॉपी निकालने में, है ना। चलो, सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात में है, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पर है और इस तरह से मेतू डैम है कावेरी। ये सारे नाम जो मैंने अभी तुमसे डिस्कस की ना, GKMC, ये सारे नाम तुम्हारे रिवर्स के आ रहे हैं, है ना। कुछ कह नहीं सकते बोर्ड में, कब कौन सी चीज फंस जाए। गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी, ये कहां से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर, ये भी है महाराष्ट्र। महानदी कहाँ से? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। कावेरी कहाँ से निकलती है? केरला। महानदी जो है इसकी एक रिवर ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है हसदो, HASDO, हसदो, ठीक है। बस यूनिक नाम है, लेकिन PCS में पूछा गया ये क्वेश्चन, हसदो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी। कभी NDA का एग्जाम अगर दोगे ना तो उसमें ये सब आता है, ट्रिब्यूटरी। SST बहुत तगड़े से आती है NDA में, 50 क्वेश्चन तो तुम्हारे GK के होते हैं, उसमें GS वगैरह होती है। चंबल रिवर में घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल जो है खोने की कगार पर है भारत में, ठीक है। राणा प्रताप सागर में, राणा प्रताप सागर आर से राणा और आर से राजस्थान, कैपिटल है जयपुर, ये थे। उसके अलावा एक और है दामोदर वैली, दामोदर रिवर पर है, सिंपल है। पेरियार, पेरियार रिवर पर है और पेरियार कहाँ पे बच्चों? केरला, केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, केरला, टिक। पेरियार केरला में है, दामोदर वैली दामोदर पर है। डैम क्या होते हैं सबको पता है, बैरियर लगा दो रिवर के अक्रॉस, मतलब रिवर के बीचों बीच एक बैरियर लगा दो, डैट ऑब्स्ट्रक्ट, जो रोक देता है, किसको रोक देता है?
रिटार्ड कर देता है, ऑफन क्रिएटिंग रिजर्वायर और लेक। तो अगर कोई तुमसे पूछे डैम से क्या क्रिएट होता है, तो तुम बोलोगे सर रिजर्वायर क्रिएट होता है या फिर एक लेक क्रिएट होती है। ठीक है, एक रिजर्वायर या फिर एक लेक डैम से। बाकी ये पढ़ोगे क्या क्या मिल जाता है हमें, मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टी, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि जब डैम बनना शुरू हुए तब तो बहुत गिने चुने थे डैम थे, तो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे हर स्टेट में डैम बनते चले गए अब लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी तो करना पड़ता है, डैम को छोटा मोटा होता नहीं, बहुत बड़े एरिया में डैम बनाया जाता है ना। तो एक आंदोलन शुरू हुआ जो पेपर में बहुत आया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा का नाम बार बार आ रहा है तो याद रखना नर्मदा रिवर कहां से निकलती है, अभी बता दो ऊपर नर्मदा रिवर कहां से निकलती है, अमरकंटक। अमरकंटक जो है हिल स्टेशन है, कभी जाना घूमने। अमरकंटक किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड। ठीक है, और ये वो रिवर है जो इंडिया के वेस्ट में जाती है। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश है ना, और ये इधर आती है अरेबियन सी में जाके गिरती है। राजस्थान से एक रिवर है लूनी, वो भी यहीं जाके गिरती है। एक रिवर है तापी, वो भी यहीं गिरती है, और इस जगह पे पाई जाती है अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, अरावली। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। नहीं यार, कोचिंग पढ़ा रहा था मैं। हाँ, 12:15 क्या हो गया बताओ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कब है? 7 नवंबर को है। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ फ्री हो गया। हाँ बाय। मेरे एक फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया है केंद्रीय विद्यालय में, उसका इंटरव्यू है 7 नवंबर को, उसी की तैयारी। और वेस्ट में है अरेबियन सी, नीचे का जो हिस्सा इंडिया का वो पेनिनसुला कहलाता है, क्योंकि वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है। एक तरफ है अरेबियन सी, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, और नीचे है इंडियन ओशन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन तुम्हें याद रहना चाहिए। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, गुजरात में है, नर्मदा रिवर बसा है। ठीक है, नर्मदा रिवर इन गुजरात, नर्मदा रिवर खुद निकलती है मध्य प्रदेश से, लेकिन तुम्हें पता होगा जब वो मध्य प्रदेश से निकलती है तो इधर जाती है गुजरात, और तब जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो गुजरात में भी है सरदार सरोवर डैम। यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, पहली प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस लिए हुई? सरदार सरोवर डैम को लेकर। एक तेहरी डैम बनाया गया उत्तराखंड भागीरथी रिवर पर, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हुई, जिसको बोला गया तेहरी डैम आंदोलन, TDA। फिर रिहंद वैली प्रोजेक्ट, ये सोन रिवर उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने यूपी की बात आई है तो उसको जरूर से पेपर में याद रखना। सोन रिवर पे जो डैम बनाया गया रिहंद वैली, क्या नाम था उसका? रिहंद वैली प्रोजेक्ट। और ये किस स्टेट है बच्चों? यूपी। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। गुड, यहाँ पे कुछ डैम्स हैं, इनको हाईलाइट कर दिया, इसको पढ़ लेना। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन होता है सरदार सरोवर डैम के लिए, सरदार सरोवर डैम। सागर किस रिवर पर है? रेगिस्तान। किस रिवर पर है? चंबल। राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे है? नर्मदा। हीराकुंड डैम किस रिवर पे है? इंडिया का हाईएस्ट डैम, महानदी। ठीक है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा कृष्णा रिवर, ये कर्नाटक में है तुंगभद्रा, याद रखना। ठीक है, सॉरी तुंगभद्रा रिवर पे ही है तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर नाम भी है और उसी पे है तुंगभद्रा रिवर। ऐसे देखो पेरियार रिवर भी है और पेरियार डैम भी है, लेकिन जो मेतू डैम है ये कावेरी रिवर पर है। मेतू डैम किस पे है? कावेरी रिवर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, याद रखना तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, भाखड़ा नांगल, अब स्टेट याद बता रहा हूँ, याद रखना भाखड़ा नांगल पंजाब, राणा प्रताप सागर राजस्थान, सरदार सरोवर डैम गुजरात, मध्य प्रदेश नहीं लगा देना, नीचे लग ही रहा था हीराकुंड। ठीक है, उड़ीसा, नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा कर्नाटक में है, और कावे वो मेतू डैम केरला, पेरियार केरला। रिवर के नाम लिखना, मेतू जो है वो कावेरी रिवर पे है, पेरियार पेरियार रिवर पे है, याद हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, देखो क्या करते हैं, ऊंचाई वाली जो जगह होती है, बारिश का पानी देखो यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से इन्होंने एक बाउंड्री बनाई, तो सारा पानी वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर मिट्टी में आके इस रुक जाएगा। ये जो मिट्टी होती है लोमी सॉइल, क्या होती है? पानी सारा सोख लेती है। इस मिट्टी को बोला गया खादिन या खादिम या फिर खादिन, ये समझ में आ गया, ये तुम्हें याद रखना बच्चों। ठीक है, ये इमेज से थोड़ा सा समझ में आया, क्योंकि जो वहां पे लिखा उससे तो हमको भी नहीं समझ में आया था। ठीक है, ऊंचाई से नीचे स्तर पे पानी आता है, तो वहां की मिट्टी थोड़ा सा पानी को सोख लेती है और सारा पानी नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है ना, इसको कहा जाता है खादिन। कहाँ है? अल्टीमेटली राजस्थान में है ना। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीकानेर फलोड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी राजस्थान में, बीकानेर और फलोड़ी।
टंक, जिसको हम टंकी बोलते हैं ना, टंकास बोला जाता है। ये सब राजस्थान की बात हो रही है। एक है इनंडेशन चैनल्स, ठीक है। इनंडेशन चैनल्स का मतलब होता है कि पाइप लगाते हैं खेतों में, ठीक है, खेतों में पाइप लगा के जो भी बारिश का पानी, इस तरह से पाइप लगा दिए, सारा पानी इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, चैनल्स के थ्रू हम इरीगेट करते हैं खेतों को, ठीक है, इनंडेशन चैनल कहलाते हैं। गुल्स और कुल्स, ये कहाँ पे है? वेस्टर्न हिमालय, याद रखना, मैचिंग में आता है। गुल्स और कुल्स, वेस्टर्न हिमालय। बैम्बू ड्रिप कहाँ पे देखा था? मेघालय। आज से 200 साल पुराना सिस्टम है ये, आईएएस में पूछा गया, बैम्बू ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। कभी ना कभी तो दोगे या सोचोगे लाइफ में, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शुरू में नहीं पता उनको क्या करना है। अब आते हैं बोर्डिंग क्वेश्चंस पे। देखो, विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स बैक टू 11th सेंचुरी? वेरी गुड। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन महानदी, हीराकुंड, ठीक है। अच्छा, ये बताओ हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड कहाँ होती है? सही जगह का नाम क्या है? मौसिनराम, ठीक है, जगह का नाम था मौसिनराम, ये तुम्हें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेरापूंजी नहीं होगा बेटा, ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड मौसिनराम ही होना चाहिए। अबे मैचिंग आया, चलो देखो, बैम्बू पाइप कहाँ मैच करेंगे? तो डी का वन है क्या कोई? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये फंस गए। अच्छा, जोहात्स कहाँ पे? जैसलमेर। जे से जोहात, जे से जैसलमेर, तो बी का फोर कहाँ पे? यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, बाकी अपने आप मैच कर लोगे, ठीक है। टंकास काजा विलेज, अच्छा ए का थ्री है, कुल से काजा विलेज और सी का टू है। टंकास यूज होता है बारमेर, बारमेर राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट आते हैं इसमें, तो सलाल है चेनाब पे, राणा प्रताप सागर है चंबल पे, नागार्जुन सागर है कृष्णा पे, हीराकुंड है महानदी पे। 1, 2, 3, 4 है क्या कोई? पहला वाला, ठीक। फिर ये पूछा ट्रू है, इसमें करेक्शन को आया था, देखो बोर्ड में करेक्शन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लिखा है बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इज यूज इन महाराष्ट्र, दिया था, करेक्शन हो जाएगा। 2022-23 में पूछा, एक पैसेज दिया था नर्मदा बचाओ आंदोलन में, ये वही पैसेज जो एनसीईआरटी के बीच में एक रेड लाइन से लिखा हुआ था ना, मैंने बोला वो इंपॉर्टेंट फंस जाते हैं कभी कभी, 4 नंबर का आएगा। तो पूरी कहानी लिखी है, जो क्वेश्चन था वो ये था, विद व्हाट ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वॉज बिल्ड? किसी भी डैम को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इरीगेशन होता है, लोगों की भलाई होता है, आंदोलन तो बाद में शुरू होता है। एनालाइज द रीजन ऑफ प्रोटेस्ट, क्या रीजन था? पूरा पैसेज पढ़ोगे बहुत सारे रीजन थे। हाईलाइट द इश्यूज ऑन विच सेव नर्मदा बचाओ मूवमेंट वर्क ऑन, किस इशू पे काम किया था? प्लांट्स को ना कटने दो, पानी का वेस्टेज ना हो, है ना, ये सारे इसके इश्यूज थे। अच्छा, 2022-23 में इतने सारे मैप में आए, हीराकुंड डैम कहाँ पे बेटा? ये बन जाएगा तुम्हारा हीराकुंड। उसके बाद है भाखड़ा नांगल पंजाब में, पंजाब हरियाणा बॉर्डर के बीच में। तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा यहाँ पे था। तेहरी डैम उत्तराखंड, उत्तराखंड ये है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, गुजरात प्यारा ये है, ठीक है, कर लोगे। सलाल तुम्हें पता ही है, एक ही रट्टा तुम्हें लग रहा है, ऊपर है सलाल डैम, ये आंसर लिखे हैं। सलाल डैम ये, भाखड़ा नांगल ये, तेहरी उत्तराखंड, हीराकुंड डैम उड़ीसा, सरदार सरोवर गुजरात, तुंगभद्रा डैम, ठीक है, कर्नाटक। यहाँ से पीडीएफ होती है, खत्म।